पूरी 120 रुपए का। काकड़ी कैसे दे रहे हो? काकड़ी 120 का। तो ये देख लीजिए, सारे आइटम मंडी में पड़े हुए हैं। भाई फूल गोभी कैसे दे रहे हो? फूल गोभी 60 रुपए किलो। मारू कैसे दे रहे हो? 40 रुपए। करेला कैसे दे रहे हो? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। पराज बिन भी आपके पास पड़ा है, पराज बिन कैसे दे रहे हो? 80 रुपए किलो। दे बैंगन 10 रुपए किलो। बिल्कुल सस्ता हो गया बैंगन के, देखो। हाँ करेला कैसे दे रहे हो? माशाल्लाह हम ये 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो माशाल्लाह करेला। ये इनके पास और लंबा बैंगन के गाजर भी आपके पास पड़ा हुआ है, ये 45 भाई। ये टिंडा कैसे दे रहे हो? टिंडा और ये मटर कैसे दे रहे हो? ये मंगी भी कैसे दे रहे हो? मारू भी पड़ा हुआ है, मारू कैसे दे रहे हो? मारू 50 रुपए। भिंडी कैसे है? माशाल्लाह यार ये तो अच्छा है, ठीक है। 90 रुपए किलो है। शिमला कैसे दे रहे हो? 80 रुपए किलो। चना कैसे दे रहे हो आज? चना 100 का। 100 रुपए का माशाल्लाह, देख लीजिए बिल्कुल फ्रेश। और वीवीआईपी हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। क्या हाल चल रहा है सब्जियों का? भाई लौकी अच्छी वाली जो है वो 40 की बिकी है, इस साइज की बिकी है 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। शिमला जरा थोड़ा निशान वाला है, ये मेरे पास 20 रुपए किलो है। 20 रुपए अच्छा शिमला 80-100 का बिका। अच्छा, और ये भिंडी ये थोड़ा मोटा साइज है, ये बिक रही है 40 चालीस का। 40 रुपए किलो, 40 रुपीज पर के जी। और मिर्ची भी हाइब्रिड है, सनम मिर्ची इसका नाम है। सनम मिर्ची है इसका, 3600-90 रुपए किलो का भाव। ये हाइब्रिड नहीं है, ये हाइब्रिड मिर्ची है, इसको हम 100 रुपए किलो बेचते हैं। वीआईपी गाजर आपके पास किस तरह दे रहे हो? 40 रुपए। और ये शहजादी मिर्ची कैसे दे रहे हो? 70 रुपए किलो। छोटे धनिया कैसे दे रहे हो आज? पुदीना 60 का। सॉरी पुदीना कैसे दे रहे हो आज? 60 रुपए। और मेथी कैसे दे रहे हो? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। धनिया कैसे दे रहे हो? 200 का। अच्छा, सबज प्याज भी पड़ा हुआ है, किस तरह दे रहे हो? 150 के दे रहे हो। और ये पालक कैसे दे रहे हो? पालक 50 रुपए। ये देख लीजिए माशाल्लाह फ्रेश आइटम है। मोटा मिर्ची कैसे है आज? मोटा मिर्ची 30 रुपए। 30 रुपए की। काली शहजादी? काली शहजादी 50। 50 रुपए किलो है। हाइब्रिड नहीं है? हाइब्रिड 100 का बेचा, खत्म हो गया। आज प्याज कैसे दे रहे भाई जान? 105 रुपए। 105 रुपए किलो। कल 130 था, आज 105 कैसे हो गया? बस बाजार गिरते सन का प्याज अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, दिन ब दिन। इसका मतलब है 100 रुपए का किलो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा 100। अच्छा, ये दिन लग जाएगा। पाकिस्तानी प्याज है। और ये इंडिया की प्याज कैसे दे रहे हो? इंडिया की प्याज कैसे दे रहे हो? इंडिया वाला दे रहे 110-115 रुपए। आलू का क्या प्राइस चल रहा है? लाल आलू 40 रुपए का दे रहे। लाल आलू थोड़ा बढ़ गया, प्याज नीचे आया। अच्छा, आलू थोड़ा ऊपर चला गया। 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। आपके पास शलजम भी पड़ा है? शलजम 50 रुपए। 50 रुपए किलो है माशाल्लाह। शलजम के पास अच्छे है। और शलजम बलोच भाई, व्हाट इज द प्राइस ऑफ जमीरी? भाई ये जमीरी का रेट है 250 रुपए किलो। जमीरी इनके पास जो है ना 250 रुपए का है। और अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक का रेट है 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो है माशाल्लाह। अदरक इनके पास अच्छे अदरक पड़े हुए हैं। चिला वाला लहसुन कैसे दे रहे हो? 50 रुपए किलो। ये देसी लहसुन कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ईरानी लहसुन कैसे दे रहे हो? 250 रुपए किलो। 250 रुपए। चाइना लहसुन कैसे दे रहे हो? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो है। वही पुराना सिस्टम है, चांटी हो रही है। और बलोच भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े बड़े लेमन आए हुए, किस तरह है प्राइस? 120 रुपए किलो। 120 रुपए का। और ये जमीरी मेरी है 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो के। आपके पास नींबू साइज खत्म हो गया? नींबू जो ओरिजिनल नींबू बिका है वो 450-500 का बिका। खत्म हो गया। चावड़े खाली पड़े हुए हैं, ये देख लो। ये 300 रुपए किलो के पास आया हूँ। ये कौन है आपका? भतीजा है इनके पास माशाल्लाह से। वीवीआईपी क्या पड़ा हुआ है? लेमन पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। किस तरह दे रहे हैं? 550 भाई। 550 रुपए आज इनके रेट है। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। अदरक भी आपके पास पड़ा हुआ है, अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक भाई ये 500 की दे रहे हैं। 500 से बिल्कुल स्पेशल टमाटर है, फुल गाड़े का टमाटर है या ये खुशदार है? नहीं जी, सिंध वाले। सिंध वाले। ये किस तरह दे रहे हो आप?
200 रुपए का पूरा पीटी है व्यूअर्स, ये देख लीजिए इतना बड़ा पीटी 200 रुपए का, इसमें कितने किलो होंगे? 15 किलो। 15 किलो है माशाल्लाह। टमाटर इनके बहुत अच्छे है, और ये है कि रेट नहीं मिल रहा है। संत वालों को ये रेट क्यों नहीं मिलता? बस किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल, और लगाया हुआ बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा है व्यूअर्स, देख लीजिए टमाटर ज्यादा लगाने की वजह से जो है ना इनके प्राइस जो है बिल्कुल गिर गए हैं। आवाम के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, पर जो सेलर है और जमींदार है उनके लिए फिर ये थोड़ा खसारा बनता है इसमें, क्योंकि किराए के पैसे से पूरा नहीं होते और फिर बेचारे लोग ऐसे परेशान बैठते हैं।